टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज एंड व्यूज बुलेटिन। जम्मू कश्मीर हफ्तावार न्यूज बुलेटिन के साथ हलीमा सादिया आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ये न्यूज बुलेटिन जम्मू कश्मीर के तरक्याती, सकाफती, सियाहती मंसूबों के साथ साथ वहाँ की रोजमर्रा जिंदगी के अवामी वाकयात का अहाता करता है। आज की जम्मू कश्मीर न्यूज में हम सबसे पहले वहाँ जिंदगी की सरगर्मियाँ मामूल पर आने के हवाले से बातचीत करेंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास के इलाकों में शादियों की तकरीबात अब धूमधाम से मनाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मकामी लोग सीज फायर को इस नॉर्मलसी की वजह करार देते हैं। इस सिलसिला में खुसूसी रिपोर्ट देखिए। एलओसी पर रह रहे लोगों की जिंदगी अब बदल चुकी है। कश्मीर के गांवों में शादी समारोह फिर से पहले की तरह होने लगे हैं। फिर से शादियों की वो रौनक वापस आ गई है जो किसी जमाने में हुआ करती थी। फिर पहले की तरह फिर शादियों में शहनाइयां बजने लगी हैं। गांव के लोगों ने एक बार फिर से बिना डर के जीना शुरू कर दिया है। जो मेहमान पहली बार शादी में आए हैं, उन्होंने भी खुशी का इजहार किया है। यहाँ मैंने पूरा माहौल बढ़िया देखा, सबसे बढ़िया। जैसा कश्मीरी में होता है वाजवान, ऐसा इधर भी हुआ। जैसे कश्मीरी में मेहंदी रात होता है, ऐसे इधर भी हो गया। यहाँ लोग बोलते थे इधर माइन ब्लास्ट होता है, वो शलिंग होता है। मैंने कल से हम आए, हमने कुछ नहीं देखा। यहाँ अमन पसंद लोग हैं, सब कुछ हमने अच्छी तरीके से निभाया, सब कुछ हमने अच्छी तरीके से देखा। यहाँ बाकी कोई डर का खतरा नहीं, कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फौज भाई भी आया, उन्होंने भी हेल्प किया। यहाँ के लोग भी है फौज के साथ मिलजुल कर अच्छी तरीके से चलते हैं। एक समय था जब एलओसी के पास रहने वाले लोगों को डर के कारण बंकरों में अपना दिन बिताना पड़ता था। उन दिनों शादी का कार्यक्रम आयोजित करना असंभव था, लेकिन अब शादी के दौरान माहौल काफी खुश नजर आ रहा है और सभी रस्मों को खुशी के साथ मनाया जा रहा है। इस गांव में फर्स्ट ऐसी शादी हुई है कि जिसमें इतने मतलब मेहमान हमारे आए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। मेरे फ्रेंड्स बारामूला से, उड़ी से, हर एक पहुंचे। शादी का नज़ारा आया, लुत्फ आया और बहुत अमन रहा। तो अगर ऐसा ही अमन रहे तो हमारा गांव एक टाउन बन सकता है। अब स्थिति में सुधार हुआ है और सभी को खुशी है कि गांवों में शादी का कार्यक्रम हो रहे हैं। शादी के दौरान दुल्हन भी खुश नजर आई। दुल्हन ने कहा कि अच्छे से शादियां हो रही हैं, अब पहले की तरह कोई दिक्कत नहीं है। हम बॉर्डर एरिया में रहते हैं, यहाँ पे मतलब हमारा अच्छे से ख्याल रखा जाता है, बट कभी कभी हो जाता है कि फायरिंग वगैरह, पर अब ठीक है, अब पीस है, अब अच्छे से है सब। जब अचानक गोलाबारी शुरू हो जाती थी तो लोगों में खौफ हिरास पैदा हो जाता था। हमारे बच्चे यहाँ से 12-13 किलोमीटर यहाँ से दूसरे गांव में तालीम हासिल करने के लिए नहीं जा सकते थे। हमारे बुजुर्ग, खासकर हम लोग, अपने महल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नहीं जा सकते थे। लोग दिन को अपना कोई काम नहीं कर सकते थे। जब से सीज फायर हुआ है, अल्लाह का शुक्र है कि आज इस शादी में हर इलाके के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। लगभग 2 साल पहले सीमा के दोनों ओर संघर्ष के कारण स्कूल बंद हो गए थे और लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले गए थे, लेकिन अब ये खुशनुमा माहौल देखकर लोग भी खुश हैं। ताता चलूं कि जिस तरह यहाँ पर शादी हुई, इस तरह आज से पहले हमारे इलाके में शादियां नहीं होती थी, लोग इकट्ठे नहीं होते थे।
आज तो अल्लाह का शुक्र है कि लोग इकट्ठे हुए, लोगों ने मुलाकातें की, नौजवानों ने रात को बैठे एंजॉय की, हमारी माएँ बहनें आई शादी में पार्टिसिपेट किया, बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल मारूफ दस्तगीर साहब के उर्स शरीफ के मौका पर कश्मीरी मुसलमानों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। उन्होंने इस मौका पर कश्मीर में अमन और तरक्की की दुआएं मांगी। कश्मीरी मुसलमानों की बड़ी तादाद शेख अब्दुल कादिर जिलानी का अकीदत के साथ एहतराम करती है। शेख साहब का मज़ार तो बगदाद में है, मगर उनकी याद में एक मकबरा श्रीनगर में भी बना हुआ है। लोगों का यही मानना है, एंड अगर हम कश्मीर की स्पेशली बात करें, कश्मीर में सूफिज़्म को हमेशा जो बढ़ावा दिया गया है हर एक सेक्टर में, क्योंकि सूफीज़ ने हमेशा कश्मीर में अमन की बात की हुई है, तो इस चीज़ को भी हमें देखना चाहिए। हमें ये भी देखना चाहिए एज अ कश्मीरी यूथ, मैं हमेशा ये अपने जहन में रखता हूँ कि हमें जो सूफिज़्म को रिवाइव करना चाहिए, कहीं ना कहीं हमने वो सूफ़ी कल्चर जो है वो खोया हुआ है। बस यही दुआएं हैं कि हमारे असलाफों ने जो काम किया हैं, उन्हें जो हमें रास्ता दिखाया उसको अपनाओ, तो कोई लड़ाई झगड़ा फसाद कोई फितनाबाजी नहीं है, यहाँ सब कुछ अमर रहेगा। कश्मीरी कालीन यूं तो दुनिया भर में मकबूल हैं, लेकिन उन पर खताती के काम की रवायत सदियों पुरानी है। कंप्यूटर के इस ज़माने में अब खताती और नक्शकारी का काम कंप्यूटर की मदद से हो रहा है। तो ये मैनुअली लिखा जाता था, लेकिन अब क्या है कि इसमें अब मॉडर्नाइजेशन बहुत हो गई, तो अब हम लिखते हैं ये थ्रू बाय द कंप्यूटर, तो डिजिटाइजेशन उसको हम कहते हैं। उससे एक फ़ायदा है कि बहुत ज़्यादा टाइम जो है हमारा वो सेव हो जाता है, और जो कस्टमर का भी टाइम है वो भी सेव हो जाता है। तो जब से ये कंप्यूटर आए हैं, इसमें जो मैनुअल डिज़ाइनर्स थे उनका भी रोल ख़त्म हो गया है लगभग, और जो अब स्क्रिप्ट राइटिंग है, क्योंकि हमने एक बार इसको कंप्यूटराइज किया है, हमें तालीम राइटर्स की ज़रूरत नहीं है इस, क्योंकि ये तो लाइफ टाइम सेव हो गए हैं, और जब हम चाहेंगे इसके पेपर्स निकाल सकते हैं।
श्रीनगर में साइबर सिक्योरिटी और साइबर फ्रॉड के हवाले से एक वर्कशॉप का इनेकाद हुआ, जिसमें साइबर थेफ्ट और सिक्योरिटी के जिम्न में अवाम में आगाही फैलाई गई। साइबर ठगी देश ही नहीं विदेशों के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है। हर दिन इससे जुड़े कई मामले सामने आते हैं। साइबर ठगी के बढ़ते मामलों को देखते हुए जम्मू कश्मीर में साइबर सिक्योरिटी को लेकर 3 दिनों की वर्कशॉप रखी गई है। देखिए, आज के युग में ये बात बहुत स्पष्ट है कि आज का डिजिटल वर्ल्ड है, कनेक्टेड वर्ल्ड है, आईटी टेक्नोलॉजी का बहुत महत्व है और उसमें जो है बहुत स्कोप है। इसलिए आज की तारीख में ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने पूरे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर करें और इसके लिए ये सबसे पहली बात यह है कि जो भी इसके यूज़र्स हैं हमारे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के, उनको इस बात का एहसास होना चाहिए, उसको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि कौन से डूज और डोंट्स हैं, क्या चीज़ें आपको करनी है जिससे कि सिस्टम सिक्योर रहता है। जो प्रोफेशनल्स हैं जो सिस्टम को मैनेज करते हैं उनका एक रोल है, वो अलग है, और जो यूज़र्स हैं उनका एक रोल अलग है। और इस बार बहुत अच्छी बात ये हुई है कि 40 हमारे विलेज डिजिटल सेंटर्स भी इस सेमिनार के साथ जुड़े हैं और वहाँ से भी बहुत सारे लोग हैं जो कि अब इसके बारे में उनको भी जानकारी होगी। इन दिनों साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, वैसे वैसे साइबर ठगी का मामला भी बढ़ता जा रहा है। साइबर सिक्योरिटी पर हो रहे इस वर्कशॉप की शुरुआत दीप प्रज्वलित से की गई। जम्मू में जारी साइबर सिक्योरिटी सेमिनार से यहां के लोगों को काफी फायदा मिलेगा और जम्मू कश्मीर के लोग साइबर क्राइम से बच सकेंगे। जानते ही होंगे कि साइबर सिक्योरिटी नॉट जस्ट फॉर इंडिया बल्कि पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और गवर्नमेंट के पास इतना हम लोग टेक्नोलॉजी में इतना आगे बढ़ चुके हैं, डिजिटल इंडिया की हम लोग बात करते हैं, बट एट द सेम टाइम हाउ मच सिक्योर वी आर इन द साइबर स्पेस। इसी चीज़ को लेके हम 3 दिन की वर्कशॉप J&K में प्लान करे हैं जो आज से स्टार्ट होगी और इसमें 600 ऑफिसर्स फ्रॉम ऑल डिपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग पुलिस डिपार्टमेंट्स, ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज, 44 पंचायत विल बी कनेक्टेड, जिसमें दिल्ली से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नेंस के साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं जो ऑफिसर्स को और हमारे सारे स्टेक होल्डर्स को थोड़ा ओरिएंट करेंगे साइबर सिक्योरिटी के बारे में, ताकि हम लोग साइबर अवेयर हो जाएं और साइबर सेफ रहें। आजकल बच्चे और बड़े सभी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे में साइबर ठगी के मामले भी बढ़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर बहुत आगे है, लोग डिजिटल पेमेंट्स भी बहुत बड़े स्तर पर कर रहे हैं, तो लोगों को एक सेंसिटाइज करना, अवेयर करना और जागरूक करना कि किस तरह से अपने पर्सनल सिस्टम्स और डिवाइसेस को वो सेफ और सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि एक ये जो साइबर सिक्योरिटी एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, एक बड़े स्तर पर तो है ही कि हमारा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योर होना चाहिए, पर उसके अलावा जिन सिस्टम्स पे हम काम करते हैं और जो हमारी पर्सनल डिवाइसेज हैं उनको हम किस तरह से सिक्योर रख सकते हैं और कुछ साइबर डूज और डोंट्स और साइबर हाइजीन के जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको प्रैक्टिस करते हुए किस तरह से हम एक सेफ एनवायरनमेंट में काम कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में अब अधिकतर सेवाएं ऑनलाइन दी जा रही हैं। लोग ज्यादा से ज्यादा ई कॉमर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे में ये वर्कशॉप लोगों को जागरूक करने के लिए काफी अहम है। अभी कनाडा अमेरिका से बर्फबारी की इत्तला तो नहीं आई, मगर लद्दाख से हैवी स्नोफॉल की खबरें मिलना शुरू हो गई हैं। आखिर में आपको कुछ झलकियां दिखाते हैं कि किस तरह लद्दाख में बर्फ को साफ किया जा रहा है। Thank you.
आज का हफ्तावार जम्मू कश्मीर न्यूज बुलेटिन हलीमा सादिया के साथ ANI की कर्टसी के साथ देखने का बहुत शुक्रिया। टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज एंड व्यूज बुलेटिन।